स्वागत है आपका टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। जो अभ्यर्थी तैयारी शुरू कर चुके हैं एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर्स के लिए, या फिर जो अभ्यर्थी अभी तैयारी नहीं शुरू कर पाए हैं, जीरो ग्राउंड लेवल पर हैं अभी भी, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है उसको दबा लीजिए, छोटी सी बेल आइकन आएगी उसको भी दबा लीजिएगा, लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। कभी कभी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाते हैं तो आप डेली चैनल को विजिट कर सकते हैं कि चैनल पर कोई न्यूज़ है कि नहीं। मेरा नाम है इरशाद अली, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस नाम से, जहां ढेर सारे कोर्सेज आपके लिए क्रिएट किए जा चुके हैं एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर्स के लिए। 30 मार्क्स का जो पोर्शन है उसमें 20 मार्क्स का कवर कर चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके फॉलो कर सकते हैं और उन वीडियो लेसन को देख सकते हैं। स्ट्रैटेजी की बात करते हैं अपनी। एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम आपका 29 जुलाई को होने वाला है, 2 महीने का समय है यानी 60 डेज का। किस तरह से जून के 30 डेज मानिए, जुलाई के 28 दिन मानिए क्योंकि 29 को तो पेपर है, तो इस महीने के आज जो बच्चे हैं अभी 2 या 3 दिन इसमें शिफ्ट कर दीजिए तो आपके पास अभी 60 दिन का समय है। एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर के एग्ज़ाम को निकालने के लिए समय बहुत ज़्यादा है, तो इसको यूटिलाइज़ कैसे करना है हम आपसे भी बात करते हैं। देखिए, एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम जो है यूपी में हो रहा है और इसको यूपीपीएससी कंडक्ट करा रहा है। यूपी के अलावा अदर स्टेट्स के अभ्यर्थियों ने भी इसमें जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाले हैं अपने, तो टोटल मिला के 8 लाख आवेदन आए हैं। 8 लाख लोग जो है यही चाह रहे हैं कि ये नौकरी उन्हें मिलने वाली है, सभी की दिली ख्वाहिश यही है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसमें से केवल 10,768 ही चुने जाने हैं। और ये 10,768 इनमें से कौन हो सकते हैं? आप भी हो सकते हैं इनमें से। तो तैयारी के लिए आपको जो है अपने आप से कमिटमेंट करना होगा, अपनी स्टडी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपको कमिटेड रहना पड़ेगा उनके लिए। तो यही स्ट्रैटेजी हम बताने वाले हैं कि आपको इजीली 1 महीने की तैयारी में इसको कैसे क्रैक कर सकते हैं, जबकि समय आपके पास 2 महीने का है। अगर जस्ट डबल कर देंगे तो आपको जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने से कोई नहीं रोक पाएगा। पैटर्न समझ लीजिए इसका एक बार फिर से। एक ही पेपर होगा आपका, सिंगल पेपर है 150 नंबर का सभी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। आप हिंदी से अप्लाई कर रहे हैं या फिर अंग्रेजी से अप्लाई कर रहे हैं या फिर मैथ से, साइंस से, कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाला है जिस सब्जेक्ट से भी, सिंगल पेपर होने वाला है 150 नंबर का आपके कंसर्न सब्जेक्ट के लिए। तो 150 नंबर में जिसमें कि 30 मार्क्स के आपके जीएस के क्वेश्चन रहेंगे और 120 क्वेश्चन आपके कंसर्न सब्जेक्ट यानी मेन सब्जेक्ट के रहेंगे। टोटल मिला के 150 क्वेश्चन आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और अपनी पोजीशन अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आपको 100 मार्क्स जो है कवर करने होंगे, ये पोजीशन आपके लिए सेव रहेगी। इसके लिए आपको तरीका बताते हैं। अगर आप 1 महीने में मान लीजिए कॉन्सेप्चुअल जो आपके मेन सब्जेक्ट है उनको भी नहीं पढ़ पाएंगे किसी वजह से, ऐसा होगा बहुत से लोगों के साथ में, तो आप ये सटीक तरीका अपनाइए, इससे डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सुनिए अब इसको। प्रैक्टिस सेट सबसे इंपॉर्टेंट, यही चीज़ आप छोड़ के जाते हैं और यही चीज़ आपको जो है घातक साबित होने वाली है अगर फिर से छोड़ने वाले हैं। ये नौकरी जो पाना चाहते हैं इतनी आसान भी नहीं है क्योंकि एक सीट पर लगभग 75 कैंडिडेट हैं, तो 75 कैंडिडेट में से कोई एक कैंडिडेट ऐसा मिल जाएगा जो इसके लिए एलिजिबल होगा, इस तैयारी के लिए, जो उसको पूरे सब्जेक्ट अपना आता होगा, प्रैक्टिस सेट करके जा चुका होगा, ठीक है। तो 75 के बीच में एक सीट के लिए 75 लोगों के बीच कंपटीशन है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। तो आप उनमें से एक हैं कि नहीं ये अभी जांच लीजिए। तो जीएस का जो 30 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, जीएस में 30 क्वेश्चन जीएस के और 120 क्वेश्चन आपके मेन सब्जेक्ट के, एक प्रैक्टिस सेट में आप लगाइए। डेली आपको 2 प्रैक्टिस सेट करने होंगे, चाहे सुबह शाम कर लीजिए, 2 घंटे यानी 4 घंटे लगेंगे आपको 2 प्रैक्टिस सेट करने में। 4 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है, आप पढ़ लेंगे तो 4 घंटे में आपके देखिए कितने क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। तो 30 क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेट के हैं, 2 प्रैक्टिस सेट अगर लगाएंगे तो 60 क्वेश्चन ये होंगे आपके जीएस के। दूसरा, अगर मेन सब्जेक्ट के 120 क्वेश्चन आप लगाते हैं तो 2 प्रैक्टिस सेट में कितने हो गए, 240 क्वेश्चन। तो टोटल मिला के 300 क्वेश्चन 2 प्रैक्टिस सेट के आपके हो गए कवर। तो डेली 300 क्वेश्चन आप कवर करने वाले हैं। अगर डेली की बात करेंगे, 2 प्रैक्टिस सेट लेके चलते हैं, तो 1 महीने में आपको कितने हो गए, 9000 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए 10000 क्वेश्चन काफी हैं, 9000 क्वेश्चन काफी हैं, मोर देन सफिशियंट है। ये प्रीवियस ईयर के भी होंगे, ये मॉक टेस्ट के भी हो सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आपको कहाँ से करने हैं, किन प्रैक्टिस सेट में से करने हैं, प्रीवियस ईयर का एग्जाम तो हुआ ही नहीं एलटी का, तो फिर आप कहाँ से करेंगे, उसके लिए भी बात करेंगे। तो ये 1 महीने की स्ट्रैटेजी मैंने बताई, अगर इसको 2 महीने में तब्दील आप कर रहे हैं तो आपके 18000 क्वेश्चन हो जाते हैं। 18000 क्वेश्चन आपको करना देखिए बहुत बड़ी बात नहीं है। डेली अगर 4 घंटा दे रहे हैं आप इसको, डेली सुबह 2 घंटे दे लीजिए, शाम को 2 घंटे दे लीजिए। अब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। कोई भी प्रैक्टिस सेट रैंडमली उठाइए या सीक्वेंस उठा लीजिए, जो भी आपके प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं आपके पास में, ठीक है, उनको उठाइए एक प्रैक्टिस सेट को। 2 घंटे जैसे एग्जाम में बैठते हैं वैसे ही 2 घंटे का समय दीजिए आप, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए 2 घंटे के बाद चेक करिए, कितने क्वेश्चन आपने गलत किए। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी तो नेगेटिव क्वेश्चन नहीं लगाना है आपको, ठीक है।
तो डेली चेक करिए उनको, प्रैक्टिस सेट में आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। हो सकता है आपने पहले में 30 सॉल्व किए हों, 30 सही हों आपके, हो सकता है 40 सही हों आपके, हो सकता है 50 सही हों, हो सकता है किसी के 100 भी सही हों, किसी के 120 भी सही हों। तो ये आपके प्रैक्टिस के, आपकी तैयारी के लेवल को बताएगा। तो आप डेली नोट करते चलिए कि आज मेरे इतने मार्क्स आए हैं इस प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। तो डेली आप जब उस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जो बचते हैं आपके, मान लीजिए 30 ही क्वेश्चन आपके सही हुए, तो 120 क्वेश्चन अभी बाकी हैं आपके, तो उन क्वेश्चन के आंसर चेक करिए आप, ठीक है। आंसर चेक करिए और फिर देखिए वो क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे, यानी उनको याद रखने की कोशिश करिए। नेक्स्ट सेट आप लगाएंगे उसी तरह शाम को, तो उसी तरह से फिर इवैल्यूएशन कीजिए खुद का कि कितने क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं आपने। अभी हो सकता है आपको 30 से 40 क्वेश्चन अभी भी 30 रहे हैं, हो सकता है 30 ही सॉल्व कर पाएं, हो सकता है 40 करने लगे, हो सकता है 50 कर सकें, तो वेरी करेगा ये क्वेश्चन। तो ये डायरेक्ट आपको प्रैक्टिस सेट लगाने पर है, अभी मैंने थ्योरी की बात नहीं की आपको थ्योरी कैसे तैयार करनी है। तो ये बिना थ्योरी के आपको प्रैक्टिस सेट लगाने ही हैं, ठीक है। और उन प्रैक्टिस सेट को लगाने के बाद चेक करना है कि कितने सही हैं, और जो बाकी क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए थे उस सेट के अंदर, उनके आंसर्स आपको याद करने होंगे। तब इस तरह से आपके 300 क्वेश्चन तैयार होंगे डेली। अब हो सकता है यही क्वेश्चन आपको जो है नेक्स्ट अगले सेट्स में भी मिलेंगे, और यही क्वेश्चन आपके जो है, देखिए 9000 क्वेश्चंस में से ही जरूरी है कि ये आपके जो फाइनल एग्जाम आप देने जाएंगे 29 जुलाई को, उसमें से भी डेफिनेटली 120 क्वेश्चन को ज़्यादा बड़ा दायरा नहीं है, वहाँ से मिल जाएंगे ये आपको। ये तरीका तो ये रहा। बची बात रही थ्योरी की, थ्योरी के लिए ये एक महीने का मैंने तरीका बताया, थ्योरी के लिए आप एक महीना दे सकते हैं इजीली। आपको एक महीने में थ्योरी किसी भी सब्जेक्ट की पूरी कर सकते हैं आप इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है। आप कोई भी एक्सक्यूज मत बनाइए अपने लिए कि तैयारी नहीं हो पाएगी, बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। शुरू तो कीजिए आप, पहले शुरू करेंगे तो पढ़ते जाएंगे तो अच्छा लगता जाएगा आपको। और सुनिए, आप प्रैक्टिस सेट आपको जो है कैसे करने हैं मैं बता देता हूँ। देखिए, इसका प्रीवियस ईयर का एग्जाम तो नहीं हुआ, लेकिन आपको जो है टीजीटी पीजीटी के सॉल्व पेपर मिल जाएंगे आपको। देखिए टीजीटी पीजीटी के सॉल्व पेपर्स आपको मिल जाएंगे, दोनों उठा लीजिए, वही क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम जीएस के कराएंगे, वो भी आपको भेज देंगे, और वो भी प्रैक्टिस सेट के थ्रू कराएंगे। जीएस का 30 मार्क्स वाला पोर्शन हम कवर कराएंगे उसको 1 जून से, ठीक है। तो बाकी इन सब्जेक्ट के देखिए 13 सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं आपको, टीजीटी के जो सॉल्व पेपर हैं इनको ले सकते हैं आप, दूसरा पीजीटी के भी ले सकते हैं, सभी सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है आपके नज़दीकी बुक स्टॉल से आप ले सकते हैं। और ये शिल्पी पब्लिकेशन के हैं, ठीक है। आप अरिहंत के पढ़ रहे हो, शिल्पी के पढ़ रहे हो, या यूजीसी नेट के पढ़ रहे हो, नेट वाले भी आपके लिए काम आ सकते हैं अगर आपके पास हैं, ठीक है, क्योंकि सिलेबस वैसा ही है एग्जैक्टली। तो इस तरह से आप उनको तैयारी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ से लगाइए, प्रैक्टिस इनकी कर लीजिए, रट लीजिए सबको, अभी मौका है आपके पास में, ठीक है। तो ये रही आपकी स्ट्रैटेजी। तो डेली अगर आप करेंगे तो 9000 क्वेश्चन एक महीने में कर सकते हैं, अगर डबल करेंगे इसका जस्ट 4 घंटे, बड़ी बात नहीं है पढ़ना दिन में, 18000 क्वेश्चन ही अगर आप याद कर लेंगे तो आपको करने की तैयारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन इस तरह से पढ़ सकते हैं, थ्योरी के लिए आपको जो है एक महीना तैयारी कर सकते हैं, और इस एग्जाम के लिए, इस नौकरी को पाने के लिए लगभग 48000 की नौकरी है इसकी, मतलब इसकी सैलरी जो है। तो एटलीस्ट आप अगर इतना कर लेंगे तो आपके अभी लगभग, मैं मानता हूँ 30 साल तो आप कंप्लीट कर चुके होंगे इसको, तो बाकी के बचे हुए अगर एवरेज 70 साल अपनी एज मान रहे हैं, तो बाकी के 40 साल जो है आपके अच्छे से कटने वाले हैं अगर इन दो महीनों में आप करो या मरो की सिचुएशन पर इस चीज़ को तैयार कर लेते हैं तो। और नहीं करेंगे तो बाकी साल भी वैसे ही कटने वाले हैं जैसे कि आपके नॉर्मली कट रहे हैं, और टेंशन में बिताने वाले हैं आपकी ये एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, वो एग्ज़ाम निकालना है। तो इसीलिए कहते हैं 2 महीने आप जो है सर पे कफन बांधिए एक तरीके से तैयारी करने के लिए। 2 महीने आप जो है कमिटमेंट करिए अपने आप से कि लिटरली ईमानदारी के साथ आप तैयारी करेंगे, और 18000 क्वेश्चंस का टारगेट रखिए या 9000 का रखिए, उसी में से आपको 120 क्वेश्चन मिल जाएंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, बट अपने साथ ईमानदारी से आप करिएगा इस चीज़ को। चलिए, इस वीडियो में रहने देते हैं इतना ही। थैंक यू।